हेलो हाय एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस। तो हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? आगे सारे क्लास में? यस इंडीड आगे। फिर क्या किया बताओ? आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। अपना ध्यान रख रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ फॉलो हो रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा तो नहीं हो रहा है। डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, बाहर निकलो, बाहर निकलना जरूरी भी है, बट मेक श्योर कि आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। चलो लेट्स बैक गेट बैक टू टुडेस सेशन एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। वी आर हियर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस। क्या करेंगे हम यहाँ पे? वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट योर सीबीएसई साइंस, व्हाट इज इट, एंड आप ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है स्टडीज का, जहाँ पे आके आप नई चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने कोर्स रिलेटेड चीज़ों को सीख रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है, वी डोंट हैव अ कंप्लीट स्टडी प्लेटफॉर्म, वी हैव एन इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पे आप बातें करते हैं, अपने डाउट्स बताते हैं हमें। आई एम योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश, डॉक्टर यामिनी। अब तक तो आप मुझे पहचान गए होंगे, नहीं पहचाना है तो अब पहचानो। और गो एंड स्प्रेड द वर्ड, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टेल देम टू जॉइन द क्लास एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग कम्युनिटी वेयर वी हैव मेड टीचिंग सो इजी एंड फन फील्ड। क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अन अकेडमी विच इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी रेडी फॉर योर क्लास 12th एग्जाम्स। एंड वाई ओनली एग्जाम्स? योर एंटायर सिलेबस एंड सो स्मूथली कि आपको आगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और वो हेल्प कैसे मिलेगी? व्हाट आर वी गिविंग यू? वी आर गिविंग यू डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस। कैसे? अच्छा बताओ, आप जब घर पे पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन पढ़ाई करते हो, तो चीजें रेफरेंस के लिए चाहिए होती है ना? 10th में, 12th में, 11th में, इन सारे में तो चाहिए ही होती है। हम आपके लिए वो चीज इजी बना रहे हैं। इस पैंडेमिक के टाइम पे आप कहीं जा नहीं सकते हो, चीजें ला नहीं सकते हो, तो व्हाट हैव वी डन? वी हैव गॉट एवरीथिंग फॉर यू। सारी चीजें हमने इकट्ठा करके आपके सामने बिल्कुल प्लेटर पे रख दी है। यू हैव टू पिक इट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। हाउ डू वी डू दिस? वी हैव डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस। आई टोल्ड यू क्लासेस होती हैं। मेरी क्लास एक लाइव क्लास मेरी 10 PM रात को होती है या फिर 2 PM इन द आफ्टरनून होती है। एंड देन वी हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। क्विजेज मेरे फेवरेट हैं। हम आपको टेस्ट देते हैं, आप क्विजेज भी अटेम्प्ट करते हो, जिससे यू इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन, यू नो वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन एंड योर सिलेबस। एंड दिस इज नॉट डन इन अ हैपजर्ड वे। आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, एवरीथिंग इज प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड। सो वंस यू आर सब्सक्राइब्ड टू दिस प्रोग्राम, यू डोंट हैव टू गो एंड रेफर एनीवेयर एल्स फॉर एनी अदर मटीरियल। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल अंडर वन रूफ एंड देन वी गिव यू अनलिमिटेड एक्सेस। क्या है अनलिमिटेड एक्सेस में? अनलिमिटेड एक्सेस में है आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज दोनों ही, जो कि आप अपने किसी भी डिवाइस से देख सकते हो, उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, सो डोंट वेट, सब्सक्राइब एंड जॉइन द प्लेटफॉर्म। हमारे पास फ्री लाइव क्लासेस हैं, जो कि आपको इन टीचर्स को आप देख रहे हैं, दे आर अवेलेबल देयर। वहां पे इनका टाइम भी लिखा हुआ है, आप इस टाइम पे कनेक्ट कीजिए, लाइव क्लासेस देखिए, समझिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम पढ़ाते किस तरह से हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका कितना इनोवेटिव होता है। And then you have comprehensive courses, maths, physics, biochemistry, economics. आपको आपके science में हम ये सारी चीजें cover करके देंगे। It is not that कि you subscribe for English and you are studying only English. No, English के साथ आप ये सारी चीजें भी पढ़ोगे and the best part is with your choice of educator. क्या करना है आपने? आपको an academy learning app install करना है। जब आप install करोगे तो आपको 30+ hours ऑफ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरी डे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में। यू हैव 14+ टॉप एजुकेटर्स। आई टोल्ड यू कि आप अपने एजुकेटर, अपने चॉइस के एजुकेटर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। न्यू कोर्सेज पब्लिश्ड एवरी मंथ, सो आपको हर महीने नया सेट ऑफ कोर्स मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है,
तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऐप ऑल्सो, यू सी द लिंक गिवन ओवर हियर, सो यू हैव टू टाइप द लिंक हियर एंड देन क्लिक टू जॉइन। वी प्रोवाइड यू नोट्स, क्विजेस, टेस्ट एंड मोर स्टडी मटीरियल फॉर योर कोर्स। वी हैव आई टोल्ड यू, आप अपने चॉइस के टॉप एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ आर टॉप एजुकेटर्स लाइंड अप, आप इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो, चूज करो उनको और उनकी क्लासेस बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अटेंड करो। कैसे करेंगे? यस, अनदर क्वेश्चन इज कैसे करना है। सो हियर यू सी ऑन द स्क्रीन इज गिवन सीबीएसई क्लास 12 सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे यू हैव टू चूज अ प्लान एंड प्रोसीड। 12th आपका कितने दिनों का होता है? इट इज 1 ईयर करिकुलम, इजंट इट? सो द करिकुलम इज 12,500, बट देर इज अ सरप्राइज हियर। When you type this, this is my referral code. So when you type YAMINI1, इसको type करो आप, इसको enter करो, you give instant 10% discount. So you're not paying 12,500, you're paying 11,250. So even simpler. ना आपने कहीं जाना है, ना लोगों से expose होना है, ना inspection का डर है, घर पे बैठ के 11,250 रुपीज में, जहाँ ट्यूशन में यू हैव टू पे से 2,000 पर सब्जेक्ट, यू आर गेटिंग ऑल योर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स इन 11,250। इट इज अ वेरी गुड डील, डोंट मिस इट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म को, और इसको और भी ज्यादा पॉपुलर बनाइए। शेयर द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड विथ योर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास व्हाट वी आर डूइंग, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? यस, वी हैड स्टडीड अबाउट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोज, एक क्विक रिविजन किया था, एंड देन वी हैड गॉन टू फ्लेमिंगो। हमने लास्ट क्लास में फ्लेमिंगो स्टार्ट किया था, फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन। हमने पोइट्री करी थी, माई मदर एट 60। यू कैन रेफर टू माई वीडियोज, आप मेरे वीडियोज देख लीजिएगा, लिंक दिया होता है, इजंट इट? बाय नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो कि आप जब पेज को स्क्रॉल करोगे तो वहां पे 3-4 लिंक्स होते हैं। देयर इज वन लिंक विच विल टेल यू अबाउट मी, इट विल शो यू माय प्रोफाइल एज एन एजुकेटर, देन इट विल टेक यू टू माय क्लासेस जो भी मैंने यूट्यूब पे लिए हैं, और मेरे स्पेशल क्लासेस जो है, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट। देन देयर इज अ फीडबैक फॉर्म, आप अपना फीडबैक दे सकते हो रिलेटेड टू द क्लासेस, एंड देन यू हैव अ लिंक विच विल टेल यू अबाउट हाउ टू गो अबाउट क्विजेस, आप क्विजेस भी वहां पे जाके देख सकते हैं। तो स्क्रोल द पेज, चेक कीजिए, किसी भी लिंक को क्लिक कीजिए। एंड योर को बताया था, इट वॉज अ स्टेट इन जर्मनी, सो दिस इज हिज लाइफ स्पैन, ही वॉज बॉर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन 1897। Okay, where did the inspiration for his stories came? He had joined the army to fight in Franco-Prussian War. उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और फ्रांस का जो डिफीट था, that had a deep impact, and this is what reflected in his stories. It was his idea. वो क्या करना चाहते थे? Through his stories, he was trying to express his feeling that what happens when a country loses to another one. उसमें क्या क्या, उस कंट्री में क्या क्या चेंजेस होती हैं, एंड व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू, व्हाट दे फील, दीज वर द थिंग्स व्हिच ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस थ्रू हिज स्टोरीज, व्हिच ही इज डन ब्यूटीफुली। ओके, सो द थीम इज ऑफ पेट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड द लव फॉर वंस मदर टंग, दे आर प्रोमिनेंट इन द स्टोरी। पेट्रियोटिज्म होता है, फिर फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। The best part which I like about this story is it tells you about freedom of language and love for your mother tongue. ठीक है, बहुत कम stories मैंने अभी तक जो पढ़ी है उसमें ये बात दी गई थी, but इसमें बहुत beautiful presentation है। So you have a scene from Franco-Prussian War. Okay, the last lesson. लास्ट लेसन का जो टाइटल है उसका जस्टिफिकेशन हम देखते हैं। इट हाईलाइट्स द ह्यूमन टेंडेंसी दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स, हेंस द मैन कीप्स पोस्टपोनिंग द लेसन्स ऑफ लाइफ, ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट लाइफ इज सब्जेक्ट टू चेंज। क्या होता है, हम लोगों की आदत होती है कि किसी भी काम को अगर वो अर्जेंट ना हो तो वी पोस्टपोन इट फॉर द नेक्स्ट डे, है ना, करते हैं ना।
करते हैं, घर में डांट पड़ती रहती है, ये कर लो वो कर लो, टाइम नहीं है, यूर वेस्टिंग योर टाइम. सो दिस इज वॉट दिस स्टोरी इज ट्राइंग टू टेल अस कि अपना जो भी आपका काम है उसको पोस्टपोन मत करो. यू हैव टू डू इट, यू डू इट टूडे इट सेल्फ, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो वॉट विल हैपन टूमोरो. बट ये ह्यूमन टेंडेंसी रह जाती है, और जब आपसे वो चीज छीनी जाती है देन यू रियलाइज दैट वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ओके, वॉट इज द मॉरल मैसेज, मॉरल और मैसेज ऑफ द चैप्टर. द स्टोरी डिपिक्स द आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज आपको एक आइडेंटिटी देती है, ठीक है, और जब वही लैंग्वेज आपसे छीनी जा रही है तो लोगों को कैसा फील होता है, वहां पे अल्सास के लोगों को कैसा फील होता है, दिस इज वॉट इज पोर्ट्रेड हियर इन द स्टोरी. एंड देन वी हैव आउटलाइन ऑफ द लेसन, दिस विल डिस्कस एट द एंड बिकॉज मैंने पहले ही आपको ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था. ओके, सो विल गेट बैक टू द टेक्स्ट. डिफिकल्ट वर्ड्स का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. There are, these are expressions which is there in the book and you need to know it. Ek discuss kiya tha humne, you can discuss, you can read it once. In great dread of, that is fearful in anticipation of something, then counted on, to rely or trust on somebody. Thumb at the edges, worn or soiled edges caused by frequent handling. Then unison, something happening or being done at the same time. A great bustle and excited activity or rapid active commotion. Reproach ourselves with, to express disapproval, criticism or disappointment. तो इन वर्ड्स को याद रखिएगा. अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं लिखा अपनी बुक में, सो यू हैड टाइम, यू कुड हैव रिटन, या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, लास्ट लेसन वी हैड डन, बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वॉज कि आपको ऑथर के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पीस दिया हुआ है. एंड देन हाउ द स्टोरी बिगिंस, द स्टोरी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास आल्सो, इट इज फर्स्ट पर्सन नरेटिव. द मेन कैरेक्टर दैट इज फ्रांस, द लिटिल बॉय, ही इज नरेटिंग द स्टोरी, ही इज टेलिंग अबाउट द इंसिडेंट विच टुक प्लेस ऑन हिज लास्ट डे ऑफ फ्रेंच क्लास. M. Hamel is the French teacher of his village, Alsace. Okay. So this is where we are going to start from. So अभी तक में ये हुआ था कि फ्रांस जो है अपनी क्लास में आ गया है और उसको टीचर ने बोला है क्लास में बैठने के लिए. इट वॉज नॉट लुकिंग लाइक यूजुअल डेज इन द स्कूल, बहुत शांति थी. एंड इट वॉज नॉट ओनली चिल्ड्रन, वो स्कूल जहाँ पे कि दूर स्ट्रीट से पता चल जाता था दैट द स्कूल इज वर्किंग, क्लासेस आर ऑन. आज स्कूल में आने के बाद भी नहीं लग रहा था फ्रांस को कि ही वॉज एक्चुअली. And another thing was that all the elderly members of the village, that is the villagers, were also sitting in the class. He comes, he sits, and then he finds that his teacher, M. Hamel, is wearing his Sunday clothes, जो वो occasionally ही पहनते थे on say prize distribution day या inspection day भी पहनते थे. आज उन्होंने वो पहन के रखा है. Okay. So, why the old men of the village were sitting there in the back of the room, he couldn't understand. It was because they were sorry too that they had not gone to school anymore, to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. So, iske jab wo school aaya tha, us time pe usko nahi pata tha, but when he came and he sat in the class, M. Hamel, the teacher told him, us class mein, like I told you, villagers bhi the, so mayor was also sitting there, ex-postmaster was also sitting there in the class. So, what happens here is, that class mein baithne ke baad usko pata chala that Berlin se ek order aaya tha, that Germans had passed this order, that there wouldn't be any French classes conducted in the village anymore. अब French classes नहीं होंगी, जो कि इनका mother tongue था. They will be learning German. So the French teacher was relieved and he would be leaving the village and going. और अगले दिन German teacher जो German पढ़ाएंगे उनको वो आने वाले थे. So this came as a shock to the villagers both.
और क्या होता है उसके बाद जो फर्दर उसकी प्रोसीडिंग्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो नाउ फ्रांस इज अंडरस्टूड कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वो क्लास में पीछे की बेंच जो कि हमेशा ही खाली होती थी, दे आर सिटिंग ओवर देयर। व्हाई दे वर सिटिंग ओवर देयर? बिकॉज दे वर वेरी सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, व्हिच दे शुड हैव डन। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। तो मास्टर हैड सर्व फॉर गुड अबाउट 40 इयर्स एंड ही सर्व फेथफुली टू द विलेजर्स एंड द चिल्ड्रन। सो दीज पीपल हैड गैदर्ड टू शो देयर रेस्पेक्ट टू द टीचर। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। आपको अगर याद होगा फ्रांस को उस दिन पार्टिसिपल के लेसन्स पढ़ के सुनाने थे। सो इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। वॉट हैड हैपन? फ्रांस ने क्या, लोग पढ़ते नहीं थे फ्रेंच को, उन्होंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। टू विच एम हैमिल ऑलवेज गिव प्रेशर ऑन। वो हमेशा बोलते थे पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, बट दे वर नॉट गिविंग अटेंशन टू दैट। द मोर फोकस वॉज पेरेंट्स वर मोर कंसर्न अबाउट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फील्ड एंड मिल्स टू मेक मनी टू अर्न। और बच्चों को खेलने में, फील्ड में दौड़ने में ज्यादा मजा आता था। सो दे नेवर पेड अटेंशन टू स्टडीज। नाउ इट वॉज फ्रांस टर्न टू स्पीक हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, बट उसने तो कोई तैयारी ही नहीं की थी। So the moment he stood up, what happened? He got mixed up. Wherein उसके मन से अंदर से बहुत जोर की आवाज आ रही थी कि वो पार्टिसिपल को बहुत स्मूथली रिसाइट कर दे बिना किसी गलती के। बट उसके लिए क्या करना होता है? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, विच फ्रांस हैड नॉट डन। एंड देन देयर ही वॉज स्टैंडिंग विद ऑल एम्बैरेसमेंट होल्डिंग हिज डेस्क एंड हिज हार्ट बीटिंग लाउड। बट ही डिड नॉट हैव द करेज टू लुक एट हिज टीचर्स फेस। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. So M. Hamel says a very important thing here. Firstly, he said that he was not going to get angry at Franz, or he was not going to scold him. He was already feeling bad about it, so there was no need to scold Franz. But then he said that, see, where have we come today? Every day people keep telling each other, we have lots of time, lots of time. I'll learn it tomorrow. I'll do this thing tomorrow. And then what is the end result? Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. So he's saying that it is not only with one person or one child. This was the general tendency of people of Alsace. ठीक है, वॉट दे यूज टू डू? एल्जास के लोग क्या करते थे? दैट दे यूज टू पोस्टपोन टूडेज वर्क फॉर टुमारो। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। सो एम हैमल सेज दैट व्हेन इट केम टू लर्निंग पीपल यूज टू पुश दिस जॉब टू टुमारो कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और ये कल कभी आया ही नहीं। सो एंड रिजल्ट क्या था? आज फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस बंद हो गई थी, नई गवर्नमेंट ने बंद करा दिया था। वो जर्मन सिखाएगी हम लोगों को। How is it? You pretend to be French men, and yet you cannot, can neither speak nor write own language. So he said that in a way it is embarrassing only that you call yourself Frenchman and then you don't know your mother tongue only. Neither you can speak and nor you can write. So this was not something to be very proud of. But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. So he's saying that it is not only little Franz who's responsible for what was happening, or people had lost French language. It was everybody's involvement in this. Everybody was responsible for withdrawing. Your parents were not anxious enough to have you learn. Then the teacher says ki aapke parents, then he started counting ki kya kya galtiyan ki thi humne. So he says that the parents were not interested to make the child learn. They preferred to put you to work on a farm or the mill so as to have a little more money.
वॉर टाइम था, फ्रांस हैड लॉस, तो यहाँ पे लोगों का एजेंडा सर्वाइवल ज्यादा था, सो दे यूज्ड टू पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क एंड देन ही टेक्स द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ ऑल्सो एंड सेज आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, ब्लेम लेना चाहिए. हैव आई नॉट ऑब्सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. ओके ही सेज कि मैंने भी तो वही काम किया है ना, मैंने भी तो आपको अपने पौधों को पानी देने के लिए भेजा था और भेजता रहता था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट गिव यू अ हॉलिडे, और जब मुझे फिशिंग जाना होता था तो मैं क्या करता था, मैं आपको छुट्टी दे देता था. तो आई वॉज ऑल्सो नॉट ट्रू टू माई वर्क, मैं भी सिंसियर नहीं था, मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट नहीं था, मैंने भी चीजों को इजी गोइंग छोड़ दिया था. सो आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम. सो इफ आई फ्रेम अ क्वेश्चन एंड आस्क यू हाय अनीश, या दिस इज सीबीएसई, आई एम टेकिंग सीबीएसई अनीश, गुड मॉर्निंग. ओके देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड देन ही स्टार्ट्स प्रेजिंग फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड स्टिल पीपल ऑफ इट्स ओन नेशन ऑफ इट्स ओन स्टेट डिड नॉट गिव दैट रेस्पेक्ट. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So he's saying, like I told you, language gives us an identity. हमारे जगह का recognition देता है language. So the same thing he is also saying that as long as you hold fast to your language, that will be your की टू द प्रिजन, वो आपके आजादी की चाबी होगी. देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड वी रेड अस आवर लेसन. उसके बाद देन ही स्टार्टेड हिज क्लास, इट वाज हिज लास्ट क्लास एंड ही वाज गोइंग टू डू इट विद फुल डेडिकेशन. आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट ऑल एंड सी इट इज वेरी नेचुरल. जब आपको लगता है कि कोई चीज आपसे छूटने वाली है तो आप उसको बहुत जोर से अपने पास पकड़ के रखना चाहते हो. सो हियर फ्रांस न्यू दैट नाउ देयर वुडंट बी एनी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज क्लास. सो व्हाट ही इज डूइंग, जो भी आज टीचर पढ़ा रहे हैं, ही इज लिसनिंग टू इट विद फुल इंटरेस्ट. एंड देन आई रियलाइज दैट इट वॉज सो ईजी टू लर्न इट, बहुत आसान था. All he said seemed so easy, I think, too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. So another reason that the French lessons were not successful was that the students were not interested much and the teacher was not having that much patience. But aaj dono cheeze ho rahi thi, the student was listening with full interest carefully and the teacher was teaching with all his patience. So, dono cheeze kaam kar rahi thi and then he realized, usko samajh mein aaya ki ye to bilkul bhi difficult nahi tha. Hai na? Any query you have, I am waiting here chat box mein. Yes, Anish, I hope you've got your answer. कि यू कैन क्लिक ऑन टू अनअकैडमी अदर क्लासेस, आपको वहां पे मिल जाएंगे. हम अलग अलग बोर्ड की क्लासेस करते हैं तो यू विल गेट इट देयर. ओके सो विल मूव फर्दर फ्रॉम हियर. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक. तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो रहा था कि सर जो थे वो चाहते थे कि आज वो जितना सिखा सकते हैं वो सारी चीजें लोगों को सिखा दे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग दैट फ्रेंच लैंग्वेज अब यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा.
ओके आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हैवल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड सो वंस द ग्रामर लेसन वॉज ओवर देन देर वॉज अ लेसन इन राइटिंग एंड देन फॉर दैट राइटिंग लेसन एम हैवल हैड न्यू कॉपीज फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑल द स्टूडेंट्स सो इट वॉज रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्जास They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Everybody had understood the importance of their language. So that day, there was nobody who was talking, nobody who was distracted. कोई ऐसा नहीं था जो कि क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था. ठीक है सभी लोगों का ध्यान जो पढ़ाया जा रहा था उस लेसन पे था और तभी लोगों को समझ में आ रहा था कि जिस चीज को उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया वो बहुत ही इजी था समझने के लिए सीखने के लिए और क्लास में लाइक फ्रांस सेज की क्लास में लाइक वी से ना हम बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस सो इट वॉज समथिंग लाइक दैट ओनली वहां पे सिर्फ पेन के मूवमेंट्स जो हो रहे थे पेपर पे सिर्फ उसकी आवाज हो रही थी अदरवाइज देयर वॉज नो साउंड इन द क्लास Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Remember your school, what happened, especially 9th, 10th, yeah, so junior classes mein kya hota hai? If there is a wasp in the class or there is a honeybee in the class, the entire class is in commotion. Hota tha na? Abhi bhi hota hoga. Usko pakadne ke liye ya usse bachne ke liye. So there is a lot of hue and cry in the class. So yahan pe kya hai ki same thing used to be happening here also. बट यहाँ पे आज बीटल आ गया क्लास के अंदर बट नो बडी वॉज पेइंग अटेंशन टू दैट बीटल जो कि इनका रेगुलर एक्टिविटी था दे वर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस अ बीटल गेट्स इनटू द क्लास एंड देन एंटायर क्लास वुड बी इन कमोशन शोर होता रहेगा कोई बीटल के पीछे दौड़ रहा है कोई चिल्ला रहा है जंप कर रहे एवरीथिंग बट आज कुछ नहीं हो रहा था सब लिख रहे थे तो दे वर राइटिंग ओनली बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम नॉट इवन द लिटलेस्ट वन who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? So here is a beautiful comparison between animals and humans. वहाँ पे roof पे pigeons की coo करने की धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी. So it gave France a question that are they going to trap these pigeons also and make them follow the rule of the country. So that's the difference between them and us. Animals are free from all bondage. Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing at first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. So now Franz is describing feelings of M. Hamill, what he was going through, what he was doing there. So he was sitting motionless in his chair and sometimes he would look in one direction, one thing, and then the other moment he would be looking somewhere else. It appeared as if he was trying to fix everything. He was trying to set everything. He was trying to memorize the entire little school room of his where he had spent 40 years teaching and grooming children. Woh sari cheezon ko apne dimag mein for the last time he wanted to fit them in. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. And then it was a kind of a fancy thing that he was there for 40 years and still he was trying to set or put everything in his memory. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller and the oak vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. So the things that had not changed was the desk and benches. They had worn smooth. Otherwise the walnut trees, they had grown up. Or we can say that what all things had changed in past 40 years. So the desk and benches had become smooth when you keep using all these things continuously rubbing your hand over these so they become smooth and then the walnut trees in the garden they had become tall the hawthorn that he had planted had twined about the window to the roof it was planted by
एम हैमिल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। सी 40 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, सो वन कैन अंडरस्टैंड वॉट एम हैमिल मस्ट बी गोइंग थ्रू। लीविंग दैट प्लेस वेर ही हैड गिवन 40 ईयर्स मस्ट बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम पैक देयर ट्रंक्स, बट दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। सो व्हाट डू वी कम टू नो हियर? दैट हैमिल वॉज नॉट स्टेइंग अलोन, it was his sister who used to stay and she was packing the trunks because they were supposed to leave the country the very next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. And today he was not impatient. Agar koi galti kar bhi raha tha to M. Hamill was not getting angry. He was not giving very strong reactions. What was he doing? He was till the end of all the lessons, when till the time everybody was done reciting their lessons and writing them, he was waiting with all his patience. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo bu. So the classes continued one after the other, and nobody was in rush to go out. किसी को कोई जल्दी नहीं हो रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे. Down there at the back of the room, old Huzzer had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. So old Huzzer was also practicing the lesson with everybody. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. And this, yes, was their last lesson, friends. Unka last lesson tha. To sare log pure dedication ke saath, even when the babies were chanting, old Huzzer was repeating those also. So this was a moment when people wanted to laugh and they wanted to cry also. They wanted to laugh kyunki wo chote se bachcho ke is emotion ko, is act ko enjoy karna chahte the, but the moment was so emotional ki wo at the same time they wanted to cry as well. All at once the church clock struck 12, then the angelus. At the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our window. M. Hamill stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. So what happens? कि 12 बजे church clock जो था उसने 12 struck किया, and everybody knew that it was time to call up the class. And M. Hamill, who was looking very pale, he got up from his chair, and of course it was a very emotional moment for him. He said, "My friends," said he, "I." And then I told you he was very emotional that day because he was leaving his place where he spent 40 years. So though he wanted to say something, he couldn't speak a single word. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. And then instead of speaking, he picked up a piece of chalk and then he wrote Vive la France. So what does it mean? बताओ क्या मतलब होता है वीवे ला फ्रांस का? इट इज लॉन्ग लिव फ्रांस. सो इट शोज हिज लव फॉर हिज कंट्री ऑल्सो. ही वॉन्टेड द बेस्ट फॉर हिज कंट्री. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड. सो देन ही लीन्स अगेंस्ट द वॉल एंड through his gesture he says, "School is dismissed, you may go." So the last lesson was over, the last lesson of France French class was over, and the teacher says bye because he was also set to leave. And this is how the this is where the story ends. So remember to love and respect your language. Practice karo, usko chhodna mat, don't let it get lost. Okay, questions we have. What changes did the order from Berlin cause in school that day? क्या changes आए थे Berlin से? जो order आए थे उसमें क्या था, changes क्या थे?
यही तो था ना, डोंट रिमेम्बर द चेंजेस वर दैट देयर वुडंट बी फ्रेंच क्लास फ्रॉम टुमारो, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस नहीं होंगी, इंस्टेड दे विल हैव टू लर्न जर्मन, इजंट इट? ओके, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमेलैंड स्कूल चेंज्ड व्हेन ही रियलाइज दैट इट वॉज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ एम हैमेल इन द स्कूल एंड देर वुडंट बी एनी फ्रेंच क्लास फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. So he developed that feeling of losing something, and his he had paid extra attention in that particular class, and he found ki sari cheeze seekhna bahut easy. It is really easy to learn French, to which he's not paid attention so far, and this is how his feelings changed. Okay, then we'll come back to our outline. Maine aapko bola tha na hum outline karenge, so I'll give you what all things have been discussed in the chapter. Let's get back to the same. Yes, outline of the lesson. So we'll go point wise. Outline of the lesson. So we come across France. ये हमारा main character है France. So पहले हम France का point of view से देखेंगे. France fears while going school. When the story opens, you'll find कि पहला दूसरा statement जो है it discusses his fear. What was his fear and why was the fear there? He was late for school. He was afraid of scolding. And why was he afraid of scolding? First thing, late for school. So these are interconnected. Late for school. क्यों late था? क्योंकि वो डर रहा था डांट से. किस बात की डांट से? He had not learnt his lesson on participle. डर था. होता है ना, आपके साथ भी तो होता है. पढ़ाई नहीं करी है तो अगले दिन स्कूल जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी आस्क अ क्वेश्चन कि तुमने काम क्यों नहीं कंप्लीट किया. समथिंग लाइक दैट. देन फ्रांस प्लान. तो इस डांट से बचने का थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड बिकॉज़ द डे अभी बच्चों को क्लासेस अटेंड करने से ज्यादा घूमने में मजा आता था. सबको मजा आता है बट दे वर नॉट वेरी पर्टिकुलर अटेंडिंग अबाउट स्कूल. सो ही वॉज लुकिंग फॉर एन एस्केप कि यहां से क्लास नहीं जाते हैं, फील्ड में चले जाएंगे. दिन बहुत अच्छा था, वहां एंजॉय करेंगे. और क्या करना था उसको? ही थॉट टू एंजॉय birds chirping, tempted to watch drilling of Russian soldiers, overcome temptation and rush to school. तो ये सारी चीजें ये plan कर रहा था but इन सारी चीजों को उसने हटा दिया अपने दिमाग से and then he rushed to school. Okay, then the last lesson. What is the chapter about? हमने पहले अपना central character पढ़ लिया, अब हम अपना plot पढ़ेंगे. Elements of prose तो आपको याद होगा, isn't it? So get back to this. सीन एट टाउन हॉल. क्या होता है? देयर इज अ सीन टाउन हॉल. आपको याद है व्हेन फ्रेंड्स वाज गोइंग टू हिज स्कूल, रास्ते में टाउन हॉल आता है और टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड होता है. एंड व्हाट डज द बुलेटिन बोर्ड शो? फ्रेंड्स हैड एन इम्प्रेशन दैट द बुलेटिन बोर्ड फॉर पास्ट टू इयर्स हैड बीन अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज. इफ देयर इज समथिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड इट हैज टू हैव अ बैड न्यूज. एंड देन व्हाट डज ही सी? Sees a crowd in front of the bulletin board. From there, we come to students. Students' attention set to work very quickly. Pin drop silence. Even beetles fail to distract. So this is what is happening in the class that particular day, jo ki rare tha. Okay. Then outline of the lesson. My next is M. Hamel. Their teacher addressing to the student. M. Hamel demanded full attention. Last lesson of French. German will be taught in school of Alsace and Lorraine. So this was something which came as a news to France. France ने भीड़ तो देखी थी bulletin board पे and he knew कि आज फिर कोई बुरा news होगा, some bad news must be there. But he did not wait and read what was written there. He was rushing for his class. So this is he came to know when he sat in his class and M. Hamel, the teacher, told this. Franz felt sorry for ignoring his lesson. So what was the reaction after that? He felt sorry that no more French class would be conducted and it was German, which was not their own language, but they will have to learn German since France had come under Germany. Deeply pained at the thought of M. Hamel going away, then he realized the importance of his teacher also, and he was feeling sad about it that the teacher was leaving. That was his last day. Okay, lack of learning may. What was Hamel's view? Hamel believed that the reason why children did not learn French properly was parents ignorant.
not anxious to have their children learn. Children prefer to be put to work on farm or mill. Also blamed himself for sending children on errands. So these were the three reasons. If I ask you a question, जैसे मेरा 10 PM का जो लाइव लर्निंग का क्लास होगा उसमें आई विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस दैट व्हाट रीजंस डिड हैमिल गिव फॉर चिल्ड्रन नॉट लर्निंग फ्रेंड्स. सो द फर्स्ट वुड बी पेरेंट्स वर इग्नोरेंट, देन चिल्ड्रन प्रेफर टू वर्क इन फील्ड्स एंड मिल्स, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो बिकॉज ही यूज्ड टू रन चिल्ड्रन फॉर स्मॉल एरेंड्स. वन ऑफ देम वॉज ही यूज्ड टू सेंड देम टू वॉटर हिज प्लांट्स. एम हैमिल टीचर्स हिज लास्ट लेसन. Calls the French language the most beautiful language, gives them their lesson in grammar, wants to teach them everything in one go, gives a lesson in writing. Okay, then we come to M. Hamel's dedication. He served school for 40 years. Nothing had changed. Desks and benches had gone smooth. Walnut trees grew taller. Open reached to the roof. So, these were the things which had happened over a period of 40 years. And M. Hamel's courage delivers his last lesson in history. Tears roll down from the eyes of the listeners. Everyone gets emotional. M. Hamel's spirit of patriotism. Trumpet of Prussian soldiers sound under the window. M. Hamel writes Waverly, France to dismiss the last class, dismiss school by making a gesture with his hand. Okay. Villagers. What is the role of villagers in the story? So, they gathered in the class to pay respect as a tribute to the teacher who had been there with them for past 40 years and served the children and the village unconditionally. They were repenting for not having attended the class. They had come, like I told you, to thank the master for his services and to mark as respect. They attended the class also without making any noise or complaint. This is expressed or made obvious by old horse's reaction when children were reciting their lullabies, nursery rhymes. This old man was also following these children. So this shows that he had lot of respect and love for his country, and thus for that reason he had come to attend the last lesson. Okay, school. Usual scene at school is hustle bustle, notes of opening and closing desks. Noise, basically noise of opening and closing of desk. And then what else do we have? Yes. So we have repetition of lesson in exam, striking of teacher's rule again, again and again. Okay, so these are the usual scene at school. Changes in school noticed by Franz. But that particular day, what was different? Everything was silent, which never used to be. M. Hamel was in his occasional dress. Classmates were already in their places. Surprising things in class. Kindness of M. Hamel. Serious look of the school. Village elderly people sitting on the back benches. So, if I ask you a question, what were the changes in that? What was the regular atmosphere or usual scene at school in normal working days? And what changes did Franz notice on the last day of French class? So, these are the answers that you'll write. So, who is the author of the last lesson? This is Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was from which country? He was from France. What does the last lesson symbolize? It symbolizes your love and love towards your mother language, mother tongue. Story of the last lesson is set in the backdrop of France and Prussian War. Okay. So, don't forget to share, like and subscribe. I'll be waiting for you at my 10 PM class, the live class. See you there. Have a great day. Take care. Stay home and stay safe.